खिला तो खिला दो है ना, नारियल पानी लिया पहले नारियल पानी लिया तू सी सिरन दे बीटा डिन कम डालना ना ज्यादा डालो नेक्स्ट पेशेंट यूज करो क्यों वेस्ट कर बीटा डिन बहुत कॉस्टली है ना हम धीरे धीरे बीटा डिन को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कुछ नहीं है हम लोग पॉपुलर हो गया और कुछ ऐसे नॉर्मल है हमारा बेस्ट है पंचोल कल को आज बेस्ट है हाइड्रोजन पर अक्सर हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे बिंदास होंगे मैं भी एकदम मस्त हूँ बिंदास हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा है ठीक है तो अपनी ड्यूटी चल रही है ओटी के अंदर ठीक है और आज की वीडियो भाई बहुत स्पेशल होने वाली है बहुत अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं ओटी के अंदर क्या क्या काम होता है वो दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें होती है वो दिखाऊँगा ठीक है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं वो दिखाऊँगा क्या क्या मशीनें काम आती है सब कुछ ओटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं हम कैसे असिस्ट करते हैं ठीक है वो सब कुछ दिखाऊंगा एक तरीके का समझ टूर भी हो जाएगा प्लस थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिल जाएगी मेडिकल स्टूडेंट को कि ओटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है उनके नाम क्या है उनकी यूज क्या है ठीक है तो वीडियो में बने रहना है ना अच्छी होने वाली वीडियो आपको मज़ा आने वाला है सब कुछ दिखाऊंगा ओपन दिखाऊंगा सब कुछ जो भी होगा एवरीथिंग ठीक है तो बिना देरी करे सीधा चलते हैं कॉलेज तो सीधा अपन आ चुके हैं हॉस्पिटल ठीक है पहले मैं आपको ओटी का बाहर का बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है ओटी के फिर उसके बाद अंदर चलेंगे तो ये है आईपीडी मेरी ये है ओटी और ओटी के जस्ट सामने ये बोर्ड लगा होता है और यहाँ जो पेशेंट है वो वेट कर रहे होते हैं मतलब इनका नंबर आता है फिर एक गेट है ये एक गेट होता है एंटर करते हैं यहाँ पे जो जूते चप्पलें बाहर ही खोलने पड़ते हैं ठीक है फिर एक ये गेट होता है मेन तो नहीं होता अंदर है ओटी का ठीक है इसके अंदर ही बहुत कुछ है वो भी दिखा दूंगा एक बार आपको अच्छे से अंदर चल के यहाँ पे जूते चप्पलें उतारने पड़ते हैं जैसे अंदर आएंगे ये तो ओटी का मेन गेट है इसमें डॉक्टर बैठते हैं ये ड्रेसिंग टेबल है ठीक है ये इस यहाँ पर ऑटो क्लेव मशीन रखी हुई इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको साफ किया जाता है अरे पानी किसने चला दिया यार ठीक है ये एक चेंजिंग रूम है जो हमें ओटी के लिए कपड़े मिलते हैं इसमें चेंज करते हैं ये वॉशरूम है ये स्टोर रूम है ठीक है तो अपन चेंज करते हैं पहले ये पत्थरी पत्थर पित के तेल तो ओटी के लिए भाई कुछ इस तरह की ड्रेस दी जाती है हमें ठीक है ओटी ये ओटी में काम आती है इसको पहन के हम बाहर भी नहीं जा सकते अगर जाना है तो चेंज करके जाना पड़ेगा ठीक है ग्लव देते हैं वो अभी पहनूंगा जाके मास्क देते हैं टोपी देते हैं पूरी ड्रेस देते हैं ठीक है इसलिए देते हैं क्योंकि ओटी के अंदर कितनी सी भी गंदगी नहीं कर सकते क्योंकि बाल किसी के बाल झड़ते हैं ठीक है वो गिरेंगे गंदगी होगी ऑपरेशन में थोड़ा क्या पता कुछ प्रॉब्लम जगह से भी दिक्कत आई तो ऑपरेशन ख़राब हो सकता है तो पूरी सावधानी ध्यान रखा जाता है मुंह को ढका जाता है पूरा ये टोपी को रखा जाता है हाथों में लग पहने जाता है ठीक है हाइजीन का पूरा ध्यान रखता है कुछ ऐसा ड्रेसअप होता है ओटी का हमारा ठीक है अब चलते हैं सीधा ओटी में अभी ऑपरेशन चल रहा है इस ऑपरेशन के बाद अपन चलेंगे जैसे ऑपरेशन कम्प्लीट होंगे तो लास्ट में आपको ओटी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है मशीने वगैरह है अंदर भी जाके सब कुछ दिखाऊंगा अभी अभी एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था उनको फिर इमरजेंसी में लेके आई है हमारे हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है यार सोनी जी है मुस्कान आपकी और भाई लोगों ये है हमारे ओटी का छोटा सा किचन
यहाँ चाय भी अंदर ही बनाते हैं हम क्या मतलब जो हमारे काम करने वाले साथी है वो बनाते हैं। बाहर डॉक्टर लोग बैठे हैं तो उनको ये हमारे MTS है तो इनका काम यही है OT के अंदर चाय वाई वगैरह बनाना। ठीक है तो अभी 11 बज रहे हैं अपन भी थोड़ी एक चाय वाई ले लेते हैं उसके बाद OT में चलते हैं वापस। हम धीरे धीरे बीटा इनको रिप्लेसमेंट करना है कुछ नहीं है बहुत पॉपुलर हो गया और कुछ ऐसे नॉर्मल है हमारा बेस्ट है पंचोल कल को आदमी बेस्ट है हाइड्रोजन पर पहले पहना तो देते इनको पहना के बनाएंगे ना हाँ कोई दिक्कत नहीं पहना के ठीक है ये मेरे को दे दो वापस OT में ना और ठंड लगेगी इनको तो अच्छे से उड़ा दो ठीक है। विटामिन खुली बस 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 खुली हुई मान लो मेकअप करना है कैसे टेबल को इसको हम कट करना जी तो ग्राफ कर लीजिएगा किसी को एंड फ्रेंड्स तो मेन बटन ये वाला मेन नहीं ये सेट ऑफ पेडल फिक्स पुट से बोलते हैं ओके पुट से चला ये पीला पीला बना ना नारियल पानी ले आओ चाय ले आओ टेंशन मत लो छोटे देखो कम हो जाएगा ना अभी करते ही आए ना बाहर पहले नारियल पानी ले आओ हां थोड़ी थोड़ी देर में पिला यार दर्द कर गया हम जोर से लगा दिया आज ऑपरेशन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए थे वो यहाँ पे साफ होते हैं पहले तो साफ होने के बाद इनको अच्छे से साफ धो के साफ करके कपड़े से पोंछ के ये ऑटोक्लेव मशीन है इसमें डालेंगे और इसको क्लीन करेंगे अच्छे से मतलब इसमें क्या गर्म करते हैं इनको गर्म पानी के अंदर तो ऑटोक्लेव मशीन है इसको ऑटोक्लेव मशीन बोलते हैं। ऑपरेशन सारे कंप्लीट हो चुके हैं अंदर ठीक है अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना उनको साफ़ सफाई करनी पड़ती है जितने भी कपड़े यूज में होते हैं वो डेली धुलते हैं इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोक्लेव हो रहे हैं ऑटोक्लेव मशीन है इसमें चल रहा है और ऐसा डेली होता है ताकि अगले दिन यूज कर सके उनको। तो फाइनली भाई आज के जितने भी ऑपरेशन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस पूरी OT के बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें हैं उनका क्या क्या यूज़ और क्या करना हमें ठीक है। तो पहले इस टेबल से शुरू करते हैं इन टेबलों को बोलते हैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन होते हैं इन पे रख के पेशेंटों के ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे 3 टेबलें रखी हुई है ठीक है। इनको अपन नॉर्मल ऑपरेटिंग टेबल भी बोल सकते हैं ठीक है या ड्रेसिंग टेबल भी बोल सकते हैं वैसे नॉर्मली ऑपरेटिंग टेबल बोलते हैं क्योंकि इसी पे पेशेंट के ऑपरेशन होते हैं ठीक है। सबसे पहले इधर मशीन ये एक है स्क्रीन है इसमें ठीक है ये कुछ ऐसी दिखती है इसको लेप्रोस्कोपिक मशीन बोलते हैं ये जो इंटरनल
कि जो चीज़ें होती हैं अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं जो ऑपरेशन के समय अंदर जो देखने के काम आते हैं, ठीक है, इसको कोटरी बोलते हैं, ठीक है, इस मशीन को कोटरी बोलते हैं, ठीक है, फिर इस मशीन को बोलते हैं एनेस्थीसिया मशीन, ये नई ज़माने की है, ठीक है, और इसी के जस्ट साइड में ये वाली, ये भी एनेस्थीसिया मशीन, ये पुराने ज़माने वाली है, ठीक है, ये अपग्रेड वर्जन है, ये पहले वाला वर्जन, दोनों यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ, पहले इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। हाँ, इसके पीछे एक और मशीन रखी हुई है, ठीक है, ये भी इंटरनल जो अंदर की जो चीज़ें शरीर के अंदर देखने के काम आती है, एक्सरे के रूप में इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। फिर ये भी कोटरी बोलते हैं इसको, ये पुराने ज़माने की है और वो नए ज़माने की, दोनों तरीके के रख रखे हैं। ये भी एनेस्थीसिया मशीन ही है पूरी, ठीक है। इसको चालू करके दिखा दूँ, इसमें भी कहाँ से चालू होती है, यहाँ से शायद, भाई कहाँ से चालू होती है, शायद बैटरी डाउन है इसकी, कोई ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, पल्स वगैरह, हार्ट रेट वगैरह, बीपी वगैरह, ब्लड प्रेशर, मतलब सब कुछ इस मॉनिटर में जो ऑपरेशन चलता रहता है तो इसमें सब कुछ दिखाते रहता है। वो तुम टीवी में देखते हो ना, वो लाइन चलती रहती है, वो वाली मशीन है, ये समझ लो, ठीक है, ये एनेस्थीसिया मशीन के अंदर ही आता है, ठीक है। इसके अलावा इधर के साइड जो भी ऑपरेशन में दवाइयाँ काम में आती है ना, वो यहाँ पे होती है, ठीक है, इमरजेंसी का ही काम होता है पूरा, तो ऑलरेडी मतलब सारी दवाइयाँ जो भी है इमरजेंसी में जो काम आती है वो इसमें रखते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी इसी में ही है। एक मिनट खोल दूँ, मैं इसको दिखा दूँ, इंस्ट्रूमेंट तो मैं शायद आपको पहले दिखा दिया, ये शायद बंद है, हाँ। और एक और चीज़, इसको चीटल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो भी ऑपरेशन करते हैं ना, तो कोई भी सामान या कोई चीज़, कोई दवाई या जो भी है, ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये रहे, ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इनको हाथ से नहीं उठाते, ये चीटल से उठाते हैं, ठीक है, ग्लव्स पहने रखते हैं, चीटल से उठाते हैं। हाथ सिर्फ वही लगाता है जो ऑपरेशन को, मतलब जो पेशेंट को ऑपरेट कर रहा होता है डॉक्टर, वही सिर्फ हाथ लगा सकता है, बाकी जो साथ में जो ड्रेसिंग में साथ देने वाले हैं हम जैसे, वो चीटल्स जो, अगर डॉक्टर कुछ भी उस समय ऑपरेशन के समय कुछ भी चीज़ मांगे या कोई इंस्ट्रूमेंट मांगे, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये और भी ये काफ़ी अंदर पड़े हुए हैं, बहुत हैं, अभी तो क्या बंद हो गया है ना ऑपरेशन, तो सारी चीज़ें अंदर रख दिए, बाकी सारी चीज़ें ना इस टेबल पर होती है ताकि उस समय ढूंढना ना पड़े, स्टैंड बाय रखते हैं, ठीक है। तो ये रे और इंस्ट्रूमेंट इसमें रखे हुए, बाकी मैंने आपको बाहर दिखाई दिए तो ऐसे रखे होते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा ये एक बोर्ड होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, ठीक है। ये जितने भी ऑपरेशन हो, मतलब आज हुए हैं, उनका शेड्यूल बनता है यहाँ पे, उनका नाम लिखा जाता है कि हाँ इस पेशेंट का ऑपरेशन है, इस चीज़ का है, ये जो बीमारी एक तरीके की, ठीक है, अलग अलग ही बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसके अनुसार ही होता है, जज पहले नंबर पे इसका ऑपरेशन होगा, दूसरे पे इसका, तीसरे पे इसका, तो इसे लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। और ये जो है लाइटें ऑपरेशन में काम आने वाली, इसके बारे में तो सब जानते ही हैं। तो ये था भाई हमारे हॉस्पिटल का ओटी, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी ओटी, और भी इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे, डेली कुछ ना कुछ बताएंगे, अभी तो काफ़ी दिनों तक यहाँ पे ड्यूटी चलेगी अपनी, तो मजा आने वाला। ओटी से भाई हो गए फ्री, अब चलते सीधा खाना खाने, और खाना खाने के बाद करते गेम्स इंजॉय, क्योंकि इसके साथ अपने कॉलेज में गेम्स भी चल रहे हैं, तो खाना खा के फटाफट चलते गेम देखने। काफी जानदार शॉट लेकिन सरकारी फील्डर्स के द्वारा फील्डिंग की गई और मात्र एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा स्टाफ की टीम को।
और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में काफी हलचल मस्ती हुई। डॉक्टर लाल शर्मा को कैसे हो सकता है, डॉक्टर लाल शर्मा इतना डेडिकेट कर सकते हैं, काफी शानदार शॉट के लिए अलग ही अंदाज में अपना रोते हुए कारण के डॉक्टर। दर्शकों को भी डर लग रहा है, दर्शक भी डरे सहमे हुए हैं, बॉलर्स इतने नहीं डरे हुए जितने दर्शक डरे हुए हैं। कृपया बॉलर ध्यान दीजिए अपनी बॉलिंग पे, दर्शक डरे सहमे हुए हैं, आप ऐसे शॉट दिलवा रहे हैं। गेम्स देखने के चक्कर में भाई आज लेट हो गया, 6 तो मेरे को यहीं बज गए। पूरा कॉलेज इधर तो सुनसान पड़ा है, बट जो ग्राउंड है पीछे की तरफ इसके जस्ट पीछे, वहाँ भाई शोर शराबा खतरनाक है, सब अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। बट मैं रुकता लेकिन रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि घर जाना है भाई, अगर रुक गया तो यहाँ पे किसी दोस्त या हॉस्टल में रहना पड़ेगा, जो मेरे को रुकना नहीं है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं घर पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे अगले ब्लॉग के अंदर।